हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरहान नज़र, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट की केस जिनका रिजल्ट से मतलब फर्स्ट दिन से लेकर रिजल्ट तक कैसा उनका सफ़र रहा, जब उनकी सर्जरी थी तो उनका सिचुएशन कैसा था और सर्जरी के बाद अभी उनका सिचुएशन कैसा है। आपको जो सारे जो फोटोज़ है वो आप साइड बाई साइड देख सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो पेशेंट का नाम है मिस्टर कपिल, जिनके आज से 5-6 महीने पहले सर्जरी हुई थी। सर्जरी के टाइम जब वो आए थे तो उनका क्या था, उनका जो बाल है ऑलमोस्ट गिर चुके थे और उनका बाल जो है गेट फोर बालनेस में था। 3300 ऑलमोस्ट उनका एक ग्राफ इम्प्लांट किया गया था। उनके जो ग्राफ थे बोल सकते अच्छे ग्राफ थे, जिसको मैंने क्या किया था, एक्चुअली उनका था क्या, उनकी एक्चुअली शादी थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मेरा फ्रंट में कुछ बाल है लेकिन बाकी जो है ऐसा प्लेसमेंट चाहिए ताकि मेरा ओवरऑल जो है एक सिटिंग में कंप्लीट हो जाए। तो हम जब उनसे बात हुई तो बताए, जब आए थे उनसे मुलाकात हुई तो बोले कि ऐसा है कि मैम ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कुछ महीने बाद मेरी शादी है, तो उसी में जल्दी करवा रहा हूँ ताकि जब तक मेरी शादी का टाइम आए तो मेरा जो ये है मतलब जो बाल है वो बढ़ना चालू हो जाए और बालनेस जो है वो छिप जाए। तो प्लीज़ आप इस तरह से उनको कवर करें ताकि मतलब एक अच्छा लाइन देकर, एक अच्छा लुक देकर मेरा पीछे का जो एरिया है वो कवर हो जाए। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि उनका जो है फ्रंट का जो पोर्शन था वहाँ पे कुछ बाल थे फ्रंट, और बाकी जो है उनके क्राउन या उनके फ्रंट के बैक का पोर्शन था वो खाली था। तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक फ्रंट जो है एक अच्छा लाइन क्लियर करके ताकि उनका जो हेयर लाइन वापस आ जाए, बाकी के जो ग्राफ है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऑलमोस्ट उनके 3300 ग्राफ इम्प्लांट किया गया था। इम्प्लांट के वक्त उनके ग्राफ बहुत ही अच्छे थे, बोल सकते अच्छे ग्राफ थे। एक मतलब 2 से 3 हेयर फॉलिकल्स थे, ठीक है। तो पेशेंट भी बहुत कंफर्टेबल थे, जैसे जो उनका जब पेशेंट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ मुझे इस हिसाब से चाहिए, तो अगर उनको ऐसा मिलता है तो वो आपके साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके 2 दिन की सर्जरी थी, मैंने उनको समझाया कि देखिए आपका जो प्रॉब्लम है मैं उसको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, जब ये ग्रो होगा तो आपके जो बाल है उसको पूरा लुक आपका जो है, जो बाल ने जो प्रॉब्लम लेकर आए थे वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। ग्राफ को उसी प्लान के हिसाब मुताबिक उनको बताया गया तो पेशेंट भी अग्री थे, क्योंकि कोई भी केस मतलब इस तरह का जब केसेस रहता है तो हम पेशेंट को पहले बता देते कि ऐसा है, अगर आपको ऐसा है तो हम इस तरह से करेंगे। और जो पूरा जो ट्रांसप्लांट का जो सेशन है कैसे स्टार्ट होगा, मतलब सपोज़ आपको पहले शेव किया जाता है, फिर उसके बाद हम मॉपिंग बीटाडीन से मॉप करते हैं, उसके बाद हम जैसे एनेस्थीसिया, पूरा प्रोसेस उनको कम्प्लीटली बता दिया गया कि ऐसा सेशन स्टेप बाई स्टेप जब उनको हमने कम्प्लीट एक्सप्लेन कर दिया तो पेशेंट भी राजी हो गए। देन हम उनको ओटी में लेके गए और जैसे उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते ग्राफ भी बहुत अच्छे थे। उस हिसाब से उनके जो केसेस मतलब जो हेयर फॉलिकल्स थे उस हिसाब से इम्प्लांट किया गया, उनके फ्रंट से लेके जहाँ तक उनका बालनेस एरिया था उसको कवर किया गया ताकि जब वो ओवर फिलिंग फ्रंट में अच्छा सा लाइन दे के बाकी जो है फिलिंग ओवर फिलिंग कर दिया गया ताकि जब उनका बाल ग्रो हो तो उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए। तो उसके बाद जब पेशेंट ही वॉज ऑलवेज इन टच विथ मी तो उनको मैं वो हमेशा थे कि मैम मैं जल्दी से मेरा रिजल्ट थोड़ा जल्दी है क्योंकि मेरा स्कूल मेरा कुछ है शादी का प्रॉब्लम है, तो उनको बताया गया कि देखिए आप अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाए, PRP ले या और फिर कुछ मेडिसिन है वो खाए। तो पेशेंट भी है जो मतलब अपना एक सेशन जो उनको ट्रांसप्लांट के बाद मतलब 2 से 3 महीने तक जो भी उनको एक मेंटेनेंस फेज मैंने बोला था तो उन्होंने भी पूरा मतलब हर रूटीन में हर महीने बाद वो PRP के लिए भी PRP भी करवाए। उनके बाद उनका जो मेडिसिन था मतलब जो हम लोग फॉली हेयर या कुछ बायोटीन या फिर फिनैक्स देते 2 से 3 महीने तक ताकि आपके ग्रोथ को इन्हेंस किया जाए, तो उन्होंने वो सारा प्रोसीड्यूर एकदम मतलब बोलते हैं ना एक अच्छे तरह से पूरा फॉलो किया। और एंड में जब उनका रिजल्ट आया तो ही इज़ वेरी हैप्पी। उनका जो बालनेस का एरिया था आप फोटो में देख लें, आप सब देख सकते हैं जो बालनेस का जो प्रॉब्लम था, लेकिन जो उनका फ्रंट का लाइन चला गया था और बाकी जो उनका क्राउन का पोर्शन था जो पूरी तरह से खाली हो गया था वो पूरा कवर हो गया। देन ही कॉल्ड मी एंड सेड कि मैम हाँ मैम मैं बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ,
आई ऑल्सो गॉट मैरिड, तो आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हैं, चलो बधाई हो, 12 को आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी हो गया और आप जिस पर्पज से करा रहे थे वो भी पूरा हो गया। तो वही है कि हम बताना चाहते हैं कि पेशेंट आप रिजल्ट में भी फोटोज में आप देख सकते, ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप फर्स्ट 10 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे आपके इम्प्लांटेड जो ग्राफ हेयर फॉलिकल्स है उसको केयर करना है। उसके बाद रूटीनली जो आपका जो रूटीन है, मतलब 2 से 3 महीने तक या तो कुछ मेडिसिन के साथ या फिर नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट लाइक PRP या BioPRP या मेसोथेरेपी, आपके जो ग्रोथ हेयर फॉलिकल, ट्रांसप्लांटेड हेयर 100% ही ग्रो होंगे, ग्रो होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा एडेड थिंग है जो आपके ग्रोथ को इन्हेंस करता है और ग्रोथ के इन्हेंस करता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स जल्दी ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी है जो बहुत जल्दी विजिबल होता है। तो आप फोटोज़ में आप देख लेंगे कि इनका जो है, अभी एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से उनका आना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी बहुत रिजल्ट के बारे में सब पूछ रहे, तो इसलिए सोचा कि एक केस पेशेंट का फर्स्ट डे से लेके अब आफ्टर मतलब सर्जरी के 6-7 महीने बाद अभी उनका रिजल्ट कैसा है, तो मैंने सोचा कि एक केस स्टडी बनाती हूँ ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो। आप ये फोटोज़ में क्लियरली देख सकते हैं कि एक लंबा सफ़र, मतलब 6 महीने तक आप भी वेट करते हैं कि हाई पेशेंस रखना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली क्या होता है, 2 वीक के बाद जो आपके बाल है वो गिर जाते हैं, इसे शेडिंग फेस कहते हैं। बहुत से पेशेंट डर जाते हैं, इवन कुछ पेशेंट तो ऐसा डर जाते हैं कि मतलब मेरा क्या हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आता है, आपके पेशेंस रखना होता है। क्या होता है, जब हम हेयर फॉलिकल्स डोनर एरिया से निकाल कर रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं तो उनका हेयर का एक साइकिल होता है, ठीक है, एनाजेन, कैटोजन, टेलोजन। तो ये क्या होता है, ग्रोइंग फेज से रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जो आपके वो 3.5 मंथ लास्ट करता है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है आपका शेडिंग फेज जो है 2 वीक से शुरू होता है और ऑलमोस्ट 2 मंथ से तक रहता है। नेक्स्ट आपके जो हेयर जो ग्रो होंगे वो ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने बाद आपके जो हेयर है वो ग्रो होना चालू होते हैं, और ये एक अच्छा लुक आते आते आपको 6 मंथ लगता है किसी, और ये डिपेंड करता है पेशेंट के एज के ऊपर, पेशेंट के डाइट, उनका डाइट का है मतलब कैसा है, कैसा हेल्दी, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ बेसिक प्रोसीड्यूर अगर कोई भी मतलब शुरू से आखिर तक कुछ जो है बेसिक जो उनको बताया जाता है कि ये नहीं करना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो है वो थोड़े दिन आपको अवॉइड करना पड़ता है। अगर आप लोग ये सारा एक जो नियम कानून मानकर अगर सब कुछ ठीक से करते, कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि मतलब आपको एकदम ये नहीं, एकदम बेसिक है आपके डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन, अगर आप चाहे तो कुछ लाइक कुछ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट लाइक PRP या BioPRP लेकर ग्रोथ को इन्हेंस कर सकते, या फिर ओरल मेडिसिन लाइक कुछ बायोटीन्स या फेनेस्ट्राइड लेके भी ग्रोथ को इन्हेंस करते। 6-7 मंथ्स में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हाँ, कुछ पेशेंट को क्या होता है, ये थोड़ा डीले होता है, उनके एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनका ग्रोथ कैसा है, बॉडी का ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तो ये पूरा सब कुछ अगर आप सही से फॉलो करो तो एक सर्टेन टाइम पे आपको रिजल्ट भी है जो आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कि मिस्टर कपिल अभी वो बहुत हैप्पी है क्योंकि उनका जो एक था कि बालनेस का एरिया, बाल दिखता था और चेहरे का जो लुक था वो भी अच्छा नहीं दिखता था, अभी रिजल्ट आने के बाद उनका लुक भी चेंज कर गया एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड ही हिमसेल्फ कॉल्ड इट एंड सेड के मैम थैंक यू वेरी मच, मैंने जिस पर्पज़ के लिए ये किया था वो पर्पज़ मेरा सर्व हुआ, तो मैं वही बोलूँगी आप जब भी ट्रांसप्लांट कराते हो तो आप थोड़ा सा कुछ दिन के लिए जो डॉक्टर्स कहीं पर भी कराए जो भी बोलते हैं थोड़ा वो फॉलो कीजिए और कुछ पेशेंस रखिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है किसी केसेस में ये टाइम लेता है, किसी केसेस में जल्दी आ जाता है। बस इतना ही है आज के इस वीडियो में, इतना ही। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो हमारे हेयर केयर बंगला में लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली। थैंक यू।